हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी आप बहुत बढ़िया हूँ। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उस रेसिपी का नाम है मतलब केक, आटे का केक। ये जो हम केक बनाएंगे पूरा आटे से बनाएंगे, ना ही इसमें अंडा हम डालेंगे, ना ही ईस्ट डालेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। और सिंपल ये केक आटे से ही बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ही स्पंजी होता है। तो उसका हम प्रोसेस देखेंगे। तो बंधुगण, ये जो आम रेसीपीटा शेयर करुच्छे आपण सागरे, ये जो रेसीपी आप सिंपल आप माइक्रोओवन भी जब आप घर ना आप सिंपल कड़े भी तैयारी करेंगे। बहुत थर तैयारी बहुत टेस्टी हुए। आपण को गैस रे भी करेंगे, आपण काठ चूली रे भी करेंगे, कोईला चूली किसी भी आप यूज करके करेंगे, मैंने बहुत बढ़िया। तो आसतु देखा यार प्रोसेसटा कमी कौन तैयारी हो। तो देखने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। एक रिक्वेस्ट है आपको, आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, एंड तक देखने से ही आपको पता चलेगा उसमें मतलब क्या प्रोसेस है, कैसा है। तो घर में बनाइए और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए कैसा रहा, कैसा लगा। तो आप मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसा है रेसिपी। जय जगन्नाथ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले हम क्या करेंगे, कोई भी बिस्किट लेंगे, जैसे हमने पार्ले जी बिस्किट लिया है, तो पार्ले जी और ओरियो बिस्किट भी हमने लिया है। तो वो बिस्किट को पहले हम क्या करेंगे, उसको अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में लाएंगे, ग्राइंडिंग कर लेंगे पहले उसको ग्राइंडर में अच्छी तरह से उसको पेस्ट करेंगे। साथ में दो इलायची भी हम डालेंगे थोड़ा फ्लेवर के लिए, अच्छा टेस्ट आता है उससे। और साथ में लेंगे चीनी, चीनी भी आपके टेस्ट अनुसार हमने आधा बाउल लिया है, आप अपने टेस्ट अनुसार ले सकते हैं। तो हमने देखिए पहले ग्राइंडिंग कर लिया, उसको पाउडर फॉर्म में ले आया पहले। तो एक पतीला हम लेंगे, तो उसमें सारा हम जो भी बिस्किट वगैरह पाउडर फॉर्म में देखिए पूरा अच्छी तरह से आ गया है। तो अभी देखिए उसमें हम आटा ला लेंगे, आटा आटा हम 1.5 कप आटा लेंगे, क्योंकि जो हम ये बना रहे हैं आटे से बना रहे हैं, हम तो मैदा से नहीं बनाएंगे। तो हम आटा लिए हैं 1.5 कप आटा। ठीक है, ये हो गया आपका पहले एक बाउल, फिर बाद में ये, फिर हम डालेंगे उसमें ऑयल डालेंगे, उसमें हम रिफाइंड ऑयल डाल रहे हैं। रिफाइंड ऑयल आप घी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल से ज़्यादा टेस्ट आता है इससे। रिफाइंड ऑयल हमने लिया है 1/4 बाउल, वही सेम बाउल हम यूज़ करेंगे, उसमें आटा चीनी वगैरह जो भी होगा वो डालेंगे। फिर अभी हम दूध डाल रहे हैं, वही बाउल से दूध हम डाल रहे हैं, जो हमें 250 ml दूध डाल रहे हैं, क्योंकि हम जितना हमारा क्वांटिटी जितना बड़ा केक बनाएंगे उसी हिसाब से क्वांटिटी भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, उसमें हम डालेंगे सोडा, जो पहले हम डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा हमने 1 चम्मच डाला है। फिर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर तो हमारे पास नहीं है, उसको रिप्लेस करने के लिए हमने इनो डाला है। आप इनो डाल दिए और इनो से भी पूरा अच्छा टेस्ट आएगा, वही काम करेगा, जो स्पंजीनेस आएगा वो इनो में आ जाएगा। और इनो डालने के बाद तुरंत हम वो जो हमने बैटर बनाया था उसी में तुरंत डालेंगे और उसको मिक्स करना चालू करेंगे। देखिए इसी तरह ही मिक्स होगा। फिर और एक पतीला हम लेंगे, वो पतीले को पहले क्या करें मतलब जिसमें हम करना चाहते हैं, जिसमें केक होगा, क्योंकि हम घर में सिंपल बना रहे हैं केक, तो पहले वो पतीले को पहले हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसको ग्रीस कर देंगे अच्छी तरह से, ताकि केक जब मतलब हो जाए तो लगे ना, आराम से निकल आए अच्छी तरह से जब केक मतलब करना चालू करेंगे। देखिए अभी हम ग्रीस कर रहे हैं, अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, जो बटर पेपर होता है बटर पेपर डाल सकते हैं, या फिर कोई भी नॉर्मल पेपर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हमने एक नॉर्मल पेपर लिया है, नॉर्मल पेपर को वहाँ पे चिपका देंगे अच्छी तरह से पूरा। जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको हम फाड़ देंगे, क्योंकि बटर पेपर एक्चुअली में लाना भूल गया था, तो इसी से ही हम काम चला लेंगे, कोई बात ना, आप भी चला सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे, फिर हम थोड़ा सा आटा लेंगे, डस्टिंग करेंगे,
ये सारा भी जो भी काम हो रहा है ये सब मतलब जो केक हो जाएगा अच्छी तरह से आराम से निकल आए, आपको भी पता चलेगा तो जब एंड में आप देखेंगे पूरा एंड तक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए तो आपको पूरा जो प्रोसेस है अच्छी तरह से पता चलेगा। आटा को हमने अभी डस्टिंग कर लिया है पूरा चारों तरफ, अभी हम क्या करेंगे जो बैटर हमने तैयार किया था वो बैटर को हम डालेंगे। देखिए बैटर का जो थिकनेस है इतना ही रखिए आप, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा, इससे केक बहुत ही बढ़िया बनता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, आधा घंटा 40 मिनट के अंदर हो जाएगा। देखिए हमने माइक्रोवेवन भी नहीं लिया है, हम लिए हैं घर में सिंपल कढ़ाई लिए हैं, कढ़ाई में हम करेंगे, लेकिन कढ़ाई को पहले अच्छी तरह से हम गर्म कर लेंगे, पूरी तरह पूरा गर्म हो जाएगा कढ़ाई, आप चेक करिए। उसके बाद नीचे एक आप प्लेट की तरह रखिए ताकि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट आने से जलने का चांसेस रहता है, तो ऐसे डाल के आप पूरा केक को बिठा सकते हैं। बिठाने के बाद उसको ढक देना है, ढकने के बाद देखिए आधा घंटे तक ऐसे ही छोड़ देंगे, आधा घंटे बाद हम चेक करेंगे देखिए पका है कि नहीं। देखिए ये अभी भी कच्चा है, अच्छी तरह से नहीं पका है, फिर हम 10 मिनट छोड़ देंगे, 10 मिनट बाद देखिए आपका हो जाएगा लगभग मतलब आधा घंटे से लेकर 40 मिनट तक कंप्लीट हो जाएगा। आपने देखा अभी आराम से निकल भी गया केक, कोई मतलब ज़बरदस्ती करना नहीं पड़ा क्योंकि हमने पहले डस्टिंग किया था। ये देखिए मैडम भी बहुत खुश है ये केक करके, उन्होंने पहले भी बहुत बार किया है, और ये आप मानिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ही टेस्टी बनता है ये केक, आपको पूरा लगेगा नहीं आप मतलब बाहर का केक खा रहे हैं कि घर का केक खा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। आप चाहे तो इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं, इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, हमने कुछ ऐड नहीं किया, हमने सिंपल बनाया है। आप ड्राई फ्रूट्स में कुछ भी डालिए, मतलब काजू डालिए, कुछ भी पिस्ता डालिए, कुछ भी आप बादाम डाल के कुछ भी कर सकते हैं, आप क्रीम डाल के कर सकते हैं, क्योंकि हम आज जो रेसिपी बना रहे हैं पूरा सिंपल बना रहे हैं इसलिए हमने कुछ डाला नहीं है। देखिए कितना स्पंजी बना है केक, क्योंकि ये जो ये कमाल है इनो का, ठीक है इनो जो सोडा डाले थे इसका जो ये कमाल है इतना स्पंजी बना है। ये पूरा हेल्दी केक बनके अभी तैयार है, अभी हम इसको टेस्ट करेंगे कैसा है। देखिए पूरा बर्थडे केक की तरह काटा जा रहा है उसको, ये देखिए कितना टेस्ट लग रहा है, सॉरी मतलब स्पंजी है। अभी मैडम तो पहले चखेंगे, हमारा तो मतलब पॉलिसी वही है, हर चीज़ को मैडम ही पहले चखती हैं। मैडम देखिए देखो रिव्यू भी दे दिया मैडम ने, मॉल काफ़ी टेस्ट बनाए करके। तो दोस्तों आप भी ऐसे बनाइए और घर में खाइए परिवार के साथ। जय जगन्नाथ।